चलो तो देखते हैं अपना 51 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो हमारा फंक्शन इस बार दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार देखो इस बार आर टेंस टू आर दे रखा है, ठीक है। तो अपना एक्स बिलोंग्स टू सिर्फ आर पॉजिटिव हो पाएगा, तो सिर्फ आर पॉजिटिव के लिए हमें देखना है, ठीक है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं देखना है। तो अगर मैं अगर इसका ग्राफ से ही मैं अगर बताना चाहूँ कि ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, जैसे आपको पता है कि बाइजेक्टिव मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा तो ये इन्वर्स ही नहीं होगा, तो इसलिए पहले बाइजेक्टिव चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ आर पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव के लिए अपने को चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ बनता है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बनता तो कुछ ऐसा भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अपने को एक्स सिर्फ आर पॉजिटिव के लिए चेक करना है, तो इस साइड वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इस साइड का देखें तो हर एक्स के लिए अपना डिफरेंट वाई है, हर एक्स के लिए अपना ओ डिफरेंट वाई है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं अपने कि ये वन वन फंक्शन है ना वन वन। और ऑन टू की बात करें तो अपना जो कोडोमेन दे रखा है वो भी आर पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो कोडोमेन अपना क्या आ गया, आर पॉजिटिव, और अपना रेंज कितना है, यहाँ ग्राफ से देख के बताओ, तो रेंज भी अपना यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी अपना आर पॉजिटिव हो गया। तो कोडोमेन और रेंज अपना कैसा आ गया है, एक दूसरे के इक्वल, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, है ना। तो अपना ये कैसा हो गया, अपना ये ऑन टू हो गया, कूल। फिर उसके बाद अपने को, हाँ तो ये अपना ये कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका अपन इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना, बाइजेक्टिव है तो इसका अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स निकालना तो बहुत ईजी होता है, बस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करो, अब एक्स के टर्म्स में इक्वेशन निकाल दो, रूट को इधर कर दो, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा अपना रूट वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। ऐसे तो आएगा प्लस माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई आएगा, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अपने को दे रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव है, तो आर एक्स अपना सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो अपना ये जो रूट वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर इसके आगे हम एक माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ एक्स इज इक्वल टू रूट वाई होगा इसका आंसर। तो एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा अपना, बस रूट में वाई की जगह एक्स पुट कर दो, ये हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे आंसर आ गया।